अजूनी साहिबं गुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजीम बख्शिश नवाजिश सवेर समय असी सत्संगत दा समा माण रहे हैं भावें कि साढ़े दीवान अजकल वर्चुअली होंदे ने सारे पर आप संगत करां थावां तो दूर दराज गुरु शब्द नाल जुड़दे हो वडभागी हो सवेर समय दा गुरुद्वारा साहब दा दीवान चल रहा है आशा की वार दे पावन कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलियत हुई खास करके जो करसानी हकां हकूकों लिए जूझ रहे किरती लोग अपने उस बैक होम मुल्क दे विच उन्हां दी चढ़दी कला ते सफलता गुजरे असी एक अरदास का संकल्प उन्हां दे नाल सांझा करदे हां आप संगत उहदे विच भी वर्ल्ड वाइड जुड़दे हो उहदे लई बड़ा शुक्रिया उपरंत आपने अज दा गुरवाक हुक्मनामा उसनों सरवण कीता है अज दा इह पावन बचन सूही राग विच गुरु अर्जन साहब महला पंजवां पंचम नानक जी उचार रहे ने पाठ रूप आपने सरवण कर लिया है अगलेरे बनते समय में इन्हों गुरु बचना की व्याख्या विवेचना नाल सांझ पावांगे आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरवाकां की तकरीर प्रारंभ करिए खाकसार द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हमेशा की तरह विचार का आगाज मुख सुनेहे तो रहाओ दे पदे तो कर रहे हैं गुरुदेव जिक्र करते ने संतोह सागर पार उतरी है जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरी है रहाओ संतोह सागर पार उतरी है मैं अक्सर बेनती करदा कि जैसी गुरबाणी नूं पढ़दे हाँ गुरबाणी नूं असी थोड़ी अटेंशन पे करदे हाँ दैन देर आर मल्टीपल आसपैक्ट्स और मल्टीपल लैवल ऑफ टीचिंग्स गुरु महाराज इज गिविंग अस और गिफ्टिंग अस सच एज इन दिस शब्द वी कैन से महाराज इज एड्रेसिंग द बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड संतो अज मॉडर्न साइकोलॉजी से गल कही जाती है तुसी किसे नाल भी कोई चंगेरा संबंध चंगेरे रिश्ता चंगेरा पक्ष जोड़ना चाहते हो ये डिपेंड करता है सब तो पहले लैवल पर तुहाडी उहदे नाल गुफ्तगू किस तरह होंदी है हाउ डू यू एड्रैस दैट इंडिविजुअल तुसी उसनों संबोधन किवें करते हो जे संबोधन दे विच कुड़त्तन है नीवापन है कोझापन है डेफिनेटली उस रिलेशनशिप दे विचों मिठास किवें लभेगी सो इस करके कहा गया जो तुसी अगले तो तवक्को करदे हो वट एवर यू आर एक्सपैक्टिंग फ्रॉम एक्चुअली अनदर परसन फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग दैन ट्राई टू यूज़ द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ जिवें सिंपल लैवल ते है अगले तो तुसी तवक्को करदे हो बच्चा ही अपना बच्चे नूं कहिंदे हो वो चंगा बच्चा बने वो प्यारा बच्चा बने तुहाडी आवाज़ ते तुहाडे एड्रैस विच वो चीज़ होनी चाहिए है जे उहदे विच ही तुसी लफ़ज़ ही गलत यूज़ कर ले लफ़ज़ ही उहदे लई ओह यूज़ कर ले जिन्हां दे नाल उहदे विच आइडेंटिटी उस किस्म की जिहड़ी है वह जाएगी
बच्चा की बनेगा जो उसनों आवाज़ ये देवांगे शरारती इल्ती गुस्ताख आई एम यूजिंग सम साइंस ऑफ एग्जाम्पल्स ओवर हियर इस तरीके दे नाल जे आपां पहला ही वर्ड ये यूज़ करिए जो गुरु साहब कहिंदे संतो हो जग्यासु जन जो स्पिरिचुअल पाथ दे उत्ते अपने आप नूं तोरना चाहुंदे ने पीपल हू रियली वॉक्स हू रियली वॉन्ट्स टू वॉक टू एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ महाराज इज एड्रेसिंग दैम डायरैक्टली मेरी जाचे तुसी सारे संत हो तुसी ऑलरेडी उस सेंटली एबिलिटी दे नाल लैस हो दे जो दे नाल तुसी परे हुए हो तुहाडी जो चीज़ है कि इस करके संत हो एड्रेस करके इंपावरमेंट दे दीती भी तुहानू ए तुहाडी समर्था है तुसी संत हो सकते हो संत हो फिर क्या सागर पार उतरी है सागर पार उतरी है सागर है ये संसार आ जिहड़ी सी जिस वर्ल्ड असी रह रहे हैं ये सब कुछ ही है ये अच्छाई भी है बुरियाई भी है वी कैन ईजीली एक्चुअली विटनेस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ चॉइस वी हैव ओवर हेयर वी हैव प्लेंटी ऑफ एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज जिधर असी चाहिए उधर जा सकते हैं पर मोस्टली देखने चाहता आ बंदा चंगी चॉइस कोई बनाए वो तो बड़ी एफर्ट पानी पएगी पर जिहड़ियां गलत चॉइसिस ने वो तो बड़ी आसानी नाल बन जांदियां ने बड़ी आसानी नाल बंदा उस दे उहदे नाल अपने आप नूं जिहड़ा हैगा जोड़ लैंदा एंगेज कर लैंदा एसोसिएट कर लैंदा हैगा आ सो ये एक भवसागर आ एक डर दा सागर आ आपां चंगे भी होना चाहिए आले दुआले दा इनफ्लूएंस इतना जोरदार होएगा आपां चंगे नहीं हो सकांगे आपां नूं जिहड़े ह्यूमैनिटी दे सिविक वर्च्यूज ने क्वालिटीज ने खूबियां ने वो प्रभावित करन वो सानू साडे उत्ते इनफ्लूएंस लैके आउण ये जरूरी नहीं हैगा मोस्टली ये हुंदा आ बंदा अपने जिहड़े डिसीजन बनाउंदा जीवन दे विच जो कुछ भी करदा उहदे बारे खुद इनफॉर्मड ही नहीं हुंदा उहनूं पता ही नहीं हुंदा मैं क्यों कर रहा ये हो क्यों रहा मेरे नाल जाना मैं राइट डायरेक्शन नूं सीगा पर मैं ते पाथ रोंग डायरेक्शन दा जिहड़ा हैगा वह फड़ लिया हैगा सो ये सागर है भव सागर है पॉसिबिलिटी है बंदा चाह के भी चंगे पासे नहीं जा सकेगा बुरियाई माड़ापन जिहड़ा आ उहनूं अपने नाल अंगेज कर लेगा दैन गुरु अर्जन साहिब इज सेइंग इन दिस स्पैसीफिक लाइन महाराज इज सेइंग हे संत जनों मैं तुहानूं दसदा हाँ सागर पार उतरी है You can come out of this actually, you can say, ocean of troubles. तुसी इस मुश्किलां दे पावसागर चो बाहर आ सकते हो तुसी जरूरी नहीं गा तुसी इस सामने वीक नहीं गे You have ability, you have strength. You can come out of that kind of actually bad ocean. उस सागर चो बाहर आ सकते हो संत हो सागर पार उतरी है पार उतरन दा मतलब ही है उद चो बाहर आ जाना उद चो तुसी जिहड़ा डुबोगे नहीं निकल आओगे किवें महाराज जे को बचन कमावे संतन का गुरप्रसादी तरी है भाई जे कोई संत जना का बचन कमा लेगा हुण बचन कमा लेना इन होर सिंपल कर लईए सपोज घर दे विच पेरेंट्स ने वो कुछ वर्ड्स कहिंदे ने दे आर जस्ट सेइंग सोर्ट ऑफ वर्ड्स सोर्ट ऑफ सम इंस्ट्रक्शंस बच्चा ये सोचे कि दैट्स देयर daily kind of violin playing they always say same kind of word same kind of teachings same kind of instructions who care hun kan nu te bachan hi ne bol hi ne par kai var unna bachna bolan de vich experience hunda hai tajruba hunda hai jeevan diyan sikhyaan hundiyan ne je banda unna nu follow kar leve te ki hoega जो वह माँ बाप उन्होंने बनाना चाहते हैं तो जो इंडिविजुअल शायद खुद भी बनना चाहता है वो ईजीली हो सकता है पर क्योंकि वह उन्होंने बचन नहीं कमा क्योंकि उन्होंने गल नहीं सुनता गल नहीं प्रोसैस करता ईवन मैं तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी चो गल करा जो असं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पढ़ते हैं ये कहा जाता है कि वेरी एक्चुअली फर्स्ट वर्च्यू वी शुड ऑल हैव दैट इज एन अटेंटिव लिसनर जदों कोई गल कीती जा रही है उन्हों एटलिस्ट अटेंड जरूर करो उसनों तुसी
मनना या नहीं मनना, दैट इज सेकेंडरी पार्ट. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज ट्राई टू अटेंड इट, पे अटेंशन व्हाट हैज बीन सेड, व्हाट समवन इज ट्राइंग टू टेल, व्हाट इज द एक्चुअली मेन काइंड ऑफ इंटेंशन, मेन काइंड ऑफ असल कंटेंट की और बात की हो रही है सारे दी सारे. इन गुरु नानक साहब ने क्या सीखा, सुने हैं सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनो उन्हों पहला अंदर जान दियो. जेड़ी चीज अंदर चली गई ये मनिया गया वो मैनीफेस्ट भी होएगी. तो ये बात हुई है ईवन लैंग्वेज लर्निंग दे गल्लां सुनिया गई कि बंदा जस्ट लैंग्वेज लर्निंग वास्ते कुछ चीज़ां लगातार रेपीटिशन सुन रहा है, पढ़ रहा है उची उची बोल के, उसनों लग रहा है कि मैनू इस चीज़ चो कुछ नहीं मिलना हैगा, इट्स जस्ट ए टाइम वेस्टिंग. बट होया कि उदे कॉन्शियस लैवल ते उसने ये सोचा मैनू कुछ नहीं मिल रहा, बस वो बोल रहा है पढ़ रहा है. अनकॉन्शियस लैवल ते सारी चीज़ अंदर कंप्लीटली बिल्ड होंदी गई. उदों उन्हूं पता लगा जदों अनकॉन्शियस लैवल ते उदे विचों चीज़ां अपने आप आउणियां शुरू हो गई. एक्चुअली ये साडी ह्यूमन माइंड दी एक तरह की एक कह लो कि एक तरीका है, एक उदे कम करन दा एक मैथड आ. गुरु बाबा जी नूं सिमरन किया, आज की दुनिया च असी माइंडफुलनैस कहने अपने आप में, माइंडफुल करो उदे बारे सुनो प्रोसैस करो, मैनीफेस्ट आपे होएगा, वो चीज़ा अपने आप उस रूप दे लगातार आउणगियां. सुसे साहब ने कहा कह लगे जे को बचन कमावे, हुण कमाई करनी एक हुंदा कमाई करनी लिटरली वैन वी अर्न समथिंग दैट मीन दैट इज़ आवर कमाई, जिन्हों असीं इनकम विच कंसीडर करते हैं. तो जिहड़ा कमाउणा आ इह सिर्फ हार्ड कोर दा मनी नहीं हुंदी, जस्ट सब तो वड्डी कमाई ये हुंदी है कि तुसीं जिथे भी जाते हो उत्थों कुछ ना कुछ सीखते हो, ऑबजर्व करते हो, उस ऑबजर्व करन तो बाद उसनों किते ना किते अपनी सुरत च अपने साइकिक लैवल ते उसनों प्रोसेस कर दे हो, एक कमाई है बड़ी वड्डी. गुरु बाबा जी ने कहा जे को बचन कमावे संतन का, जे कोई वाक्य ची संत जना दे बचन कमा लवे. एंड समटाइम वी स्ट्रगल वेयर वी कैन फाइंड दीज संतन, संतन काइंड ऑफ पीपल विच बाबा जी इज एग्जाम्पलिंग ओवर हेयर. पर बाबा जी ने कहा कि जाने की लोड़ नहीं है, तुहानू संत सारे इकट्ठे ही कर देने हैं, इत्थे सारा गुरु ग्रंथ साहिब संतां दे बचन ने. इहदे विच लिटरली तौर पर 15 ते भगत ही बैठे, 11 भट बैठे ने, 6 गुरु साहब ने, गुरसिख प्यारे ने. सो इन्हां बचना बोलां नू तुसीं इन्हां नू अटेंशन पे करो, इन्हां लफ्ज़ां अलफाज़ां नू इन्हां दे उत्ते सुरत टकाओ, इन्हां नू बिल्कुल अटेंड करो, सुनो उन्होंने उस रूप के सुनद्या सुनद कमाने शुरू करो, उन उसना देते जिन्ना क हो सके पहरा देना शुरू करो, उन्होंने फॉलो करना शुरू करो. जे को बचन कमावे संतन का, होएगा कि गुरप्रसादी तरीए भाई, सो गुरप्रसादी तरीए, फिर उदा गुरु दे प्रसाद दे नाल, गुरु का प्रसाद गुरु ना आ गुरु. एक्चुअली वी गो विद द ओनली गुरु वर्ड इट सैल्फ, दैट मीन इहदा मतलब बनता है जिवें दीवा हुंदा आ, इहदा मायने इन्हें ग्रे धातु तो बनया होया शब्द जो हनेरे नूं खा जाए. हनेरा अज्ञानता आ, हनेरे नूं आप देखोगे जिथे बहुत डार्क होए, हू कैन ईट द डार्क. डेफिनेटली लाइट, होर तो कोई चीज़ नहीं डार्क नूं खा सकती. जे उत्थे तुसी रोशनी लै आओगे, लाइट दा कोई सबस्टीट्यूट नहीं हैगा. जे होर चीज़ां दे हो सकते ने, कोई चीज़ दा सबस्टीट्यूट लभ लो तुसी, पर जिथे बहुत डार्कनैस आ, यू नीड ओनली वन थिंग, लाइट. सोर्स कोई भी हो सकता, उहदे वास्ते सोर्स लिटरली तौर ते ट्रेडिशनल दीवा हो सकता है. सोर्स अज दा कोई जिहड़ा हैगा किसी इलैक्ट्रिक चॉइस विचों तुसी उस किस्म दा कोई बल्ब वगैरह लिया के ला सकते हो, पर चाहिए लाइट आ, रोशनी चाहिए आ. रोशनी तो बिना उत्थे कुछ नहीं हो सकेगा. एग्जैक्टली जिहड़ा साडा अंदर मन मंडल आ, इहदे विच चीज़ां सानू बॉदर कदों करदियां ने, जदों असी मैं क्या प्रॉपर इनफॉर्म्ड नहीं होंदे, सानू पता ही नहीं, सानू इनफॉर्मेशन ही है नहीं प्रॉपर, असी क्यों कर रहे हैं एवें. सपोज मैनू गुस्सा ही आउंदा आ,
डेफिनेटली कोई रीजन होएगा इहदा। मैं वार वार सेम मिसटेक कर रहा, डेफिनेटली कोई रीजन होएगा इहदा। मेरे अंदर वकार माड़ा पासा जिहड़ा जीवन का है वह बड़ा अपील करता है, कोई रीजन होएगा। इफ आई एम नॉट लुकिंग ऑल दीज रीजनस दैन डेफिनेटली आई एम एक्चुअली हंटिंग इन डार्क। तो बाणी ने कहा अंधकार सुख कबू ना सोई है, हनेरे च भी कभी किसी को सुख मिले है पर रोशनी चाहिए है। दीवा बलै अंधेरा जाए, ये गुरप्रसाद है, इनलाइटमेंट रोशनी होनी, बाहर की रोशनी नहीं कली। इसलिए जो मैडिटेशन कहा जाता अखा बंद करो, अपने थॉट्स देखो, उन्होंने उत्ते जो ध्यान देवो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वट्स गोइंग ऑन इन साइड यू। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली फाइंड आउट एनीथिंग दैन ट्राई टू चैंट रिसाइट फ्यू वर्ड्स, स्पेशली द वर्ड्स विच कैन हैल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ प्रॉपरली। दोज आर लाइक सच एज बाणी, जे को बचन यहोजे बचन यहोजे बोल। सो यदी बात की गई ये फिर जो प्रसाद आ जिहड़ा चलो एसेंस आ उही है कि बंदे नूं इनलाइटमेंट मिलेगी, रोशनी मिलेगी। बाकी ये कह लो कि धर्म कोई माड़ी चीज़ है, धर्म कोई गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ असी धर्म के नाँ ते भरम पालदे आ, धर्म नूं समझदे नहीं गे। आ शब्द बहुत प्यारा आ गुरप्रसाद दी तरिया रहाओ, शुरुआती पंक्तियां ने दियां, करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै। देखो गुरबाणी दे नाल अंडरस्टैंडिंग बनद्या बनद्या बनती है। मैं खुद दे बाबत अपने तौर पर एग्जाम्पल जे अपनी लवा तो चीज़ा समझ आउंदियां ने हौली हौली करके। इत्थे जिहड़ा लफ्ज़ आया ना करम धर्म पाखंड, पाखंड दो चीज़ा ने, एक हैगा या जिन्हों असी सपोजे कह लो कि किसी चीज़ का आडंबर या विखावा करना। विखावा ते आडंबर जिहड़ा आ यह है कि हिपोक्रेसी, पाखंड जिहड़ा आ यह हिपोक्रेसी नहीं हुंदा। पाखंड का मतलब एक्चुअल लैवल ते हुंदा आ पाखंड, किसी काम का एक हिस्सा करना, एक हिस्सा छड्ड देना, उन्नू खंडित कर देना। मतलब एक चीज़ ते कीती जा रही है पर उहदा सैकेंड पार्ट छड्ड दित्ता। कई बार रिजल्ट आउंदा आ जो तुसी फुली किसी चीज़ नूं प्रॉपरली उस तरीके नाल प्ले करदे हो ते उहदा एक हिस्सा कर लिया, एक छड्ड दित्ता, हुण होएगा कि रिजल्ट्स नहीं आउणगे। बंदा फिर कहेगा कमाल है, क्या गया सीगा धर्म विच्चों, धर्म कमाण नाल चीज़ प्राप्त हुंदी है पर मिलिया तो कुछ भी नहीं। भाई पाखंड ते नहीं किते, यू आर फॉलोइंग वन साइड ऑफ द कॉइन बट अनदर साइड यू आर टोटली एक्चुअली फॉरगेटिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड दैट साइड। इत्थे साहब ने कहा करम धर्म पाखंड जो दिस है, जिहड़े अद्धे अधूरे हो रहे हैं। सपोज आप कोई चीज़ लै लईए, इत्थे जग बड़ा अग्गे जाके जिक्र आवेगा। हुण आपां पाठ ही करते हैं, पाठ का मायना की है? बाबा जी कहिंदे पाठ का मायना सिर्फ पढ़ना नहीं हैगा। आपां पढ़दे हाँ पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ परिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है हाथ, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, नानक लिख है एक गल होर हो मैं चखना चाह। पाठ सिर्फ थोड़ी ईगो नू बूस्ट करने वास्ते चीज़ नहीं है, पाठ सिर्फ थोड़े लिए टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं है। यह तो है पाठ की ताजन सी, अजे हमने जे को बचन कमावे उहदी गल पढ़ रहे सी, गुरु ग्रंथ साहिब शब्द पढ़ते हैं, पोथी पुराण कमाई है, इहदे ते कमाई करनी है, उहदे विच्चों कुछ कमाउणा आ, कुछ खटना आ, कुछ अर्न करना आ। हुण बंदा जपजी साहिब भी पढ़ता आ चढ़दी प्रभात, उहदे च किव सच्चियारा होई है, किव कूड़ै टुट्टै पाल, कूड़ दी पाल झूठ, झूठ जिंदगी च कई रूपां विच आउंदा आ। एक तो यह है बंदा सच नू लगा के अंदर कुछ चलता है बाहर कुछ बोलता है, ये चीज़ गलत है। जे जपजी साहब पढ़े है सवेरे फिर ट्राई की जाए, बी ऑनैसट विद योर सैल्फ, बी ऑनैसट विद एवरी वन, ईमानदाराना पक्ष आ जाना, सच बोलना,
सच सुनना, सच दे नेड़े रहना, ये पाठ का परपज आ। इट्स ए काइंड ऑफ ओथ वी आर रिपीटिंग एवरी डे विद आवर ओन कॉन्शियस, सो वी नैवर एवर एक्चुअली फॉरगेट दैट यस वी हैव टेकन दिस ओथ, वी आर द डिसाइपल ऑफ आवर गुरु, वी आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ इंटेग्रिटी। जिहड़ी ओ चीज आ, यह है पूरा कर्म करना। पाठ तो किया बड़ा ध्यान ला के, बड़ा उस तरीके नाल, पर जिहड़ा उहदा मीनिंग सीगा, जिहदे उहदे अंडरस्टैंडिंग सीगी, जिहड़ी उहदी असल विच जिहड़ा उहदे च पिया होया मैसेज सीगा, वह खिर गया। साहब कहिंदे जमां दी जागात लग गई, जम जागाती, जागात कहिंदे ने टैक्स नूं। वी सपोज करो तुसी बड़ी मनी अर्न कीती है, पर एंड ऑफ द डे की होया, सारी मनी टैक्स च चली गई, दैन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट टू यू मचली फॉर योर ओन यूज। बंदा एनर्जी भी लगाए, कोई धर्म कर्म भी करे, तो अखीर उहदे विचों अपने पल्ले भी कुछ ना पए, फिर बाबा जी कहिंदे फायदा की आया। इसलिए इत्थे जिक्र आया, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, जिहदे एक हिस्से नूं ते कर लिया। धर्म कोई भी, इसलिए बाणी ने कहा कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइयां, कोई अलाए, किसी नाल कोई गिला नहीं गा पाए। कोई अल्लाह अल्लाह करी जाए, कोई राम राम करी जाए, कोई वाहगुरु वाहगुरु करी जाए, वट एवर समवन हैव एक्चुअली देयर ओन काइंड ऑफ बिलीव सिस्टम, देयर ओन काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इहदे च कोई चीज़ नहीं, कोई एवैल्यूएशन नहीं हो सकती आ धर्म वड्डा आ छोटा है ना। सिखी का कॉन्सैप्ट ही है, सिखी का कॉन्सैप्ट तो यह है कि वह करन तो बाद असी गेन की कर रहे हैं, अटेन की कर रहे हैं, अर्न की कर रहे हैं उहदे विचों। जिवें गुरु नानक साहब जदों अरब देश विच गए उस उदासी दे समय, उत्थे गुरु साहब नूं बड़े लोकां नाल मुलाकातां होईयां। अरब देश दीआं जिहड़ियां गोश्त ने उह बड़ियां मिल जांदियां सानूं जन्म साखी विच, होर लिटरेचर दे विच। उच गुरु बाबा जी नाल गलबात करदिआं होईआं, जिहड़े उत्थों दे बड़े हाफिज हाईली इंटलैक्चुअल लोक सीगे, उन्होंने कहा ये हिंद के खिते चो भाव जिहड़ा हैगा इंडियन सब कॉन्टीनेंट विचों आया होया बड़ा वड्डा महापुरख आ, जिहदीआं गल्लां च ताप आ, इहदे कोल बड़ी नॉलेज आ। आपां एक कम करदे हाँ, आपां इहनूं पुछदे हाँ कि ये साढ़े मुहम्मदनज़ बारे, मुहम्मदन बिलीव सिस्टम बारे, ये बारे की कहिंदा आ, बिकॉज एट प्रेजेंट इत्थे हैगा, इत्थे साढ़े कोल होण करके इत्थे शरा दा कानून आ, जे साढ़े खिलाफ़ बोलेगा सज़ा मिलेगी, तो जे साढ़े हक च बोलेगा तो दैट्स रियली गुड। फिर आप लोगों को कहेंगे कि देखो जी, आ देखो इंडियन सब कॉन्टीनेंट तो बंदा जिहड़ा आया है, ये भी साड़ी प्रेज़ करता, देखो एक किड्डा वड्डा स्कूल है। हर एक बंदे च हुंदा ऑर्गनाइज रिलीजियस स्कूल, तो खास करके लोग एवें दी सोच रखते हैं। तो उहदे च भाई गुरदास जी ने जिक्र किया कि वह जिहड़ा जिक्र करते बाबा नानक जी दे नाल, उह कहिंदे देख गल है, बाकी तो गल्लां सारियां ठीक ने, पर बाबा जी कोल पोथी सीगी, मतलब जिहड़ी जिहदे च बाणी लिखी हुई सी, वह कहिंदे सी तेरे नाल डायरैक्टली जबानी कलामी गल नहीं करनी, तुसी एक कम करो, प्लीज़ ओपन योर पोथी बुक जिहड़ी गुरु साहिब राइटिंग्स जिहड़ियां ने, एंड ट्राई टू टैल अस वट यू हैव रिटन अबाउट अस एज ए मुस्लिम इन दिस बुक, बिकॉज वी वॉन्ट टू रीड, वी वॉन्ट टू नो तुसी मुस्लिम्स नू किवें एवैलुएट करदे हो, आखिरकार साडे इस सारे रिलीजियस प्रैक्टिस नू किस तरीके नाल देखदे हो। भाई साहब भाई गुरदास जी दा एग्जैक्ट वर्ड ये ने, पुछन फोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, दसो वड्डा कौन आ, हिंदू नू वड्डा लिखिया तुसी कि मुसलमान नू वड्डा लिखिया, किनू तुसी मनदे हो कि ये वड्डा है। पुछन फोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियाँ, बाबे ने जवाब दिता उन्हें हाजियाँ नू, वो जिहड़े धर्म की हज करन जा रहे सीगे, सारे अपने आप नू बड़े स्कॉलर मनदे सीगे, बाबा जी ने आंसर किया कहिंदे बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। ये सारी राइटिंग जिहड़ी है ये ना हिंदू ते खड़ी है, ना मुसलमान ते, ना किसी होर स्कूल ऑफ थॉट ते खड़ी, इक्को चीज़ ते खड़ी है, बंदे ने कमाई की कीती है, बंदे दे अमल की ने, शुभ अमलां बाजों, जिथे अमल ठीक नहीं गा
पाठ का लिए करना सीखा ताकि अमल ठीक हो सके. आई एम रीडिंग, आई एम रिसाइटिंग समथिंग फॉर व्हाट, टू डू गुड एक्शंस. इफ समथिंग इज नॉट कन्वर्टिंग इन माय एक्शंस, दैट मीन वो पाठ नहीं होया, फिर वो कर्म नहीं होया. ये जड़ियाँ एक्टिविटीज ने जीवन दियाँ, ये खुशी ते गमी देंदियाँ ने, ये दुख ते सुख नु पैदा कर दियाँ ने, इन्हां दे विच हासे ते रुदन ने. जिथे ये चीज़ नहीं आ रही वो सब पाखंड है. एक हिस्सा हो रहा है, उस हिस्से दा इंपैक्ट बंदे दे जीवन ते प्रभाव नहीं पै रहा. साहब ने कहा, करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटा. फिर क्या निर्वाण कीर्तन गावो करते का. निर्वाण इहदे च भी है, अपने विच जिहड़ी डिजायर्स ने, इच्छावां ने, एक्सपैक्टेशंस ने, ये जिन्नियां हाई होंदियां जाणगियां, इवन अपने आप तो भी उन्ना तंग होवांगे असीं. जे बंदा धर्म कर्म भी करता है, सपोज कोई भी काम कर रहे हैं असीं, धर्म दा ही क्रिया करते हैं, पाठ करते हैं, तो लोग, मैं लिटरली तौर पर गल्लां, मैनूं खुद लोगों ने कई हजार हजार वार कही, भाई साहब जी रोज़ पाठ करते हैं, भाई साहब जी गुरुद्वारा साहब जाने, भाई साहब जी अपनी सच्ची सुची किरतकार करते हैं, किसी का बुरा नहीं किया, भाई साहब जी फिर भी आ गलत काम हो रहा, फिर भी आ चीज़ हो रही है, फिर भी कोई ठगी ला गया सानू, फिर भी कुछ परिवार दे दुख आ गया, ये की बनया हुण. ये जिहड़ी चीज़ आ एक्चुअली तंग की कर रहा, दुख तंग कर रहा है, तंग की कर रहा है, कुछ समथिंग मिसहैप has happened and that's why we are suffering. No, mishap, any kind of uncertainty in our life, that's part of life. Ithe guru sahib ne khud sikhaya, khud dassya, bimar shimar hona, cheezan da vigadna, parivaran de vich ik dooje di gall na manna, eho jehi, it's a normal. Ithe mother nature da law aa, ithe sara chalega, ehi te zindagi hai, ithe natural te chalega naal naal. Haan, जदों बंदा इस चीज़ नूं हुंदियां होयां वेखदा आ, तो एक्सपैक्टेशन ये सीगियां ऐसा नहीं होएगा. जिवें साडी बड़ी स्कॉलर साइकोलॉजिस्ट हैगी है, वो कहिंदी, आई वॉज रेजिंग थ्री किड्स एंड वैन आई वॉज रेजिंग दैम एंड माई मैन एक्चुअली माइंड सैट वॉज आई एम गोना मेक टोटली हैप्पी ऑल द टाइम because I have so much knowledge. मैं दिनियाँ किताबां लिखियां ने child psychology दे उत्ते, सारा कुछ हैगा. मैं इन्ना बच्चियां नू बस खुश रखांगी हर वक्त. कहिंदी थोड़े दिनों बाद ही पता लगा, नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हैगा. फिर हौली हौली एहसास होया, नहीं नहीं, एक्चुअली आई वॉज रोंग, मैं गलत सीगी. जिहड़ा खुश रखना आ, ये कोई जीवन का ना तो परपज़ ही है, ना जीवन च पॉसिबल आ. मेरा परपज सिर्फ इतना आ कि मैं अपना रोल प्ले करा, बाकी जो आउटकम आएगा वो बहुत चंगा होएगा. कहिंदी जिंदगी च कई उतार चढ़ा आए, पर अल्टीमेटली जो मैं हुण देखदी हाँ एक लमेरे समय तो बाद, मैनू महसूस हुंदा आ इस तो बैटर आउटकम नहीं सी हो सकता. ये बहुत कमाल का आउटकम आया. निर्वाण कीर्तन, कीर्तन का मतलब इतने म्यूजिकल वे दे नाल गुरबाणी नू रिसाइट या सिंग करना नहीं हैगा. इतने तो हैगा या अकाल पुरख वाहिगुरु की स्तुति दे विच अपने मन नू लै जाना, अपने आप नू एक ऐसे एहसास च उतारना जिदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु की तारीफ होए, वडियाई होए. तो वडियाई किवें दी होए, जो कुछ आले दुआले हो रहा है उन्हूं प्रॉपरली परसीव करके अपने आप नूं दसना ते अपने मूँह तो बोलना. निर्वाण कीर्तन गावो करते का. फिर साहब ने कहा, निमक सिमरत जित छूटा है. बंदा पकड़िया तो वार वार जाता है, पकड़िया किवें जाना, तुहाडे मन दे उत्ते किसी चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पै जाना, इंपैक्ट हो जाना. कोई चीज़ वापरे, सपोज तुसी कोई रिजल्ट एक्सपैक्ट कर रहे सीगे, वो नहीं आया, वो तो ऑपोजिट आ गया, मन एकदम डावांडोल हो गया, वो प्रभाव हेठ आ गया. हुण की है, हुण खाण नू जी नहीं करता, कुछ भी
ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਵਰ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਕੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਮਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਰ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤੁਤੀ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼, ਵਰਡ, ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਬੱਝ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ ਵਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਛੋਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਥੋਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਜਵਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਸ ਕਰਤਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਝੂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਝਣ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲਮੈ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਝਣ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਕੋਟ ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ, ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਇਹ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਗ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਬਾਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪੀੜਾ, ਵੇਦਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਰਿੰਗ, ਸੋਰੋ, ਗਰੀਫ, ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਕਚੁਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਝਣ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲਮੈ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਕੋਲ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਲਮੈ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾ। ਇਹੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾ, ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਇਸ ਵਰਤਾਓ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਇਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ।
मैनू समझ आ गई, मैनू रूट्स दिसने शुरू हो गए, तो माफ़ी चाहांगा। असी अपने आप चीट करते हाँ, हर एक जो असी एक्ट जीवन में वेखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, उदे कुछ रूट्स ने। उन्हां रूट्स नू इमानदारी नाल देखो, ऑनेस्ट वे दे नाल। वो तुहाडे इंडिविजुअल एक्शन विचों भी हो सकते हैं, तुहाडे सोशल स्ट्रक्चर विचों भी हो सकते हैं। जे सपोज करो असी कैनेडा वर्गे मुल्क च रहिंदे, नॉर्थ अमेरिकन कल्चर है, इत्थे इत्थे पॉसीबिलिटी है। जो कल्चर है इत्थों दा, एक तरह की प्रॉपर फ्रीडम है, तो इस फ्रीडम दे विच जिहड़ा साडा फैमिली या कल्चरल साडा एक बाउंडिंग आ, वह साडी नैक्सट जनरेशन तक पहुँचने असी शायद लेट हो जाइए। मैं नहीं कहना पहुँच नहीं सकते, पर क्योंकि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आ, इतना ज़्यादा आले दुआले, हो सकता है इस तो पहला असी अपने बच्चे वो सारा स्कूल ऑफ थॉट अटेंड करवा सकी, बच्चे की अटेंशन कोई होर बाय कर जाए। यहो जी जिहड़ी डिस्ट्रैक्शन आ बच्चों नूं जो दूजे पासे लै जांदी, उन्हें चॉइसिस वो फूड चॉइसिस होंदियां ने, उन्हां दे जिहड़ा हैगा लाइफ स्टाइल दियां चॉइसिस होंदियां ने, रहना सहना कपड़े पाउणे सब, उन्हां दी लाइफ पार्टनर दियां चॉइसिस होंदियां ने, वो डिफरेंट हो गई। बंदा बंदा दुख दे घेरे च पै गया, बंदा कहिंदा ओहो भाई साहब इहदे च की रूट लभोगे तुसीं, मैं तो सब काम किए, टाइम भी दिता आ भी दिता, भाई बिल्कुल ठीक आ, पर कई बार की है तेरा पेस जिहड़ी तेरी स्पीड सी उन्हां नूं प्रोवाइड करन दी, सारा कुछ तेरा मैथड जिहड़ी तेरी तरीकेकारता सीगी, जिहड़ी तेरी अप्रोच तेरा जरिया सीगा, वो किते उन्हां दे उहदे नाल मैच नहीं कीता। ते इहदे च फॉल्ट की है भाई, फॉल्ट यही है कि डेफिनेटली एकदम जिस कल्चर च असीं आए हैं इहदा शौक बड़ा वड्डा आया, इस करके उस चीज़ करके चीज़ उस लैवल ते नहीं पहुँच सकी। बंदा सोचे कि सारे दे विच्चों मैं कोई एक्स्ट्रा हुण धर्म कर्म करके बाहर आ जावांगा। बाणी कहिंदी धर्म कर्म इस करके कर ताकि चीज़ां नूं सही परस्पेक्टिव नाल समझ सके, प्रोसेस कर सके, अपने आपे दी उसारी कर सके। इत्थे महाराज ने कहा कोट तीर्थ मजन इशनाना इस कलमै मैल प्रीच है। हाँ, इहदे मुकाबलतन साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजिए। साध संग, एहो जे साधकां दी संगत विच बंदा आ जाए, तो संग करना भी की है। इत्थे संग शरीरक संग दी गल ते है नहीं गी, इत्थे इह संग ते एक्चुअल लैवल ते थॉट्स दा आ, विचारधारा दा आ। बाणी दे च इस तो वधिया एग्जाम्पल की लवांगे, महाराज बयान करदे तन फिर इह ना आखियां बहन इकट्ठे होए, इकट्ठिया बहन नाल कोई धन ते पिर नहीं बन जाता, इकट्ठिया रहन दे नाल। टू इंडिविजुअल्स हू आर लिविंग अंडर वन रूफ, ईवन ईवन एक्चुअली इन सोशल स्ट्रक्चर वी कैन कंसीडर दम एज ए हसबेंड वाइफ एज ए कपल, बट बाबा जी सिंह नो 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 नो, इस तरीके नाल नहीं होंदा। हाँ, एक जोत दोए मूर्ति, मूर्तां जरूर दो ने पर जोत एक हो गई। जोत की है? विचार, ख्याल, संगत इहदी है। कहिंदे जिसने साध संग जो हर गुण गावै, जो इस तरीके नाल हरी दा गुणगान गाँदा है, सो निर्मल कर ली जाए, उसनों फिर मैल रहित जीवन मिलता है, क्योंकि उहदी संगत उहनां विचारां ख्यालां नाल हो गई जिन्होंने जीवन में सुचज्जी ते चंगेरी जीवन जाच कमाउण दी जिहड़ी उस लैवल ते बख्शिश करती, ब्लैसिंग्स कर दित्तियां। वेद कतेब सिमरत सब सास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई, जिती बात शुरुआत की सी, तुसी पढ़ी जाओ वैदिक फलसफे, पढ़ी जाओ एंशंट लिटरेचर, पढ़ी जाओ जिन्ना मर्जी इस चीज़ नूं लाभी जाओ। वेद सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई। हाँ, एक अखर जो गुरमुख जापै, जे कोई गुरु वल मूँह करके एक अखर नूं एहसास लवे, जाप लवे भी बचन मैनू कह की रहा आ। सपोज करो तुसी गड्डी ड्राइव करते हो, स्टॉप साइन आ, वर्ड ते स्टॉप ही लिखिया या साइन बनिया आ, इहदे मायने की ने, वट काइंड ऑफ मैसेज दिस साइन इज एक्चुअली गिविंग मी, इफ आई एम एबल टू प्रोसेस इट, होएगा कि स्टॉप साइन नहीं मिस होएगा, गड्डी प्रॉपर रुकेगी फिर तुरेगी, स्पीड साइन नहीं मिस होएगा, प्रॉपर स्पीड साइन के उत्ते जावांगा,
हर चीज जी जिंदगी एवं ही है, जिथे वो अखर मिस हो जाता है, जिहड़ा मेरा बिहेवियर उत्थे एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिहड़ी एप्रोप्रिएटनेस आ जो उच्चों खत्म होंदी लगी जाती है, फिर पावे बंदा जो मर्जी फलसफा पढ़ ले, धार्मिक रचनावां पढ़ ले, भाई साहब कहते कुछ नहीं, एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई, मतलब सोई का मतलब शोभा आ, फिर शोभा, फिर बंदे नूं आप भी अपना जीवन जीना शोभ नहीं लगेगा। बाय रीडिंग ऑल दैट एक्चुअली शब्द we can understand that Baba Ji just blessing this specific Shabad, particular Shabad to their Sikhs. So they should follow the path of Guru. Maharaj Singh, no, this is universal. This is for each and every individual on this globe. For this, or actually for this kind of explanation, Baba Ji has used few words which are coming in next lines. Khatri Brahman Sood Vais Updes Chon Varna Ko Sanja. Char Varna mean whole society. Purane samay nizam banaya si na Khatri Brahman Sood wala. Papa ji kehnde vich koi exceptional nahi aayega. Saryan vaste hai. Sab nu vich include kita gaya hai. Gurmukh naam japai udrai. So kalmai kat kat Nanak Manja. हे नानक जिन्हें गुरु वल मूँह करके उस नाम की आराधना की, हू एवर इज रेडी टू फॉलो द पाथ ऑफ गुरु एंड बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ गुरु एक्चुअली वन इज रेडी टू इंजॉय अर्न द माइंडफुलनेस द गुरु स्कूल ऑफ थॉट, दैन डेफिनेटली वो करन दे नाल घट घट नानक मांझा जिहड़ा सब घटां दे विच बैठा आ वो विच ही मंझिया होया, विच ही समाया होया, उस सार तत् नाल साडी सांझ बन सकती है, ते उस समझ सदका ही असी संतोह सागर पार उतरिए, इस पव सागर तो असी पार उतर सकते हैं। अदरवाइज बंदा रोई भी जाता है, धर्म कर्म भी करी जाता है, पर जिंदगी सफ़र भी करी जाता है, सो ये सब कट्ठा ही हो जा रहा है। साहब कहिंदे फिर इहदे नाल ही है एटलीस्ट बंदे दी जिहड़ी मानसिक पीड़ा आ, जिहड़ी स्पिरिचुअल लैवल तों अवेयरनैस ना होण करके सफरिंग हो रही है, उहदे तों बंदा बाहर आ सकता है। इन्हीं एक बेनतियां नाल खिमा एक बार फिर उन्हां किसान भैण भरावां लई अरदास करदे होए समाप्ति करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की